नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप जब बच्चों के सामने। अभी हाई कोर्ट से एक आपके लिए न्यूज है कि हरियाणा में जो सीईटी का मेंस जो एग्जाम्स होना था वो सारे कैंसिल हो गए हैं। अभी कोई पेपर नहीं होने वाला है क्योंकि सीईटी का रिजल्ट दोबारा से रिवाइज होगा और रैंक वाइज होगा। अभी जो रिजल्ट आया है वो रैंडम रिजल्ट है, किसी को नहीं पता उसकी रैंक कितने ही है, किसी को नहीं पता उसका चार गुना में नंबर आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जो मेंस एग्जाम है वो आपका एक फेयर तरीके से हो तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हो सकता है अब आपके एग्जाम्स एक से डेढ़ महीना डिले हो जाए, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जिस बच्चे को ये लगता था कि उसकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, उसके लिए एक और गोल्डन चांस मिल गया। मतलब एक महीना तो आप मान के चलिएगा, कम से कम इतना तो टाइम लग ही जाना चाहिए, तो उसको एक्स्ट्रा महीना मिल गया। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो अपना रिवीजन के ऊपर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अब पेपर तो ये लेंगे ही, आज नहीं लेंगे तो दो महीने बाद होगा, तो इसलिए अपनी तैयारी को ना छोड़ें, कंटिन्यूस लाइब्रेरी में जाते रहें, कंटिन्यूस जो आपका शेड्यूल है उसको बनाए रखें। और सीटी क्वालिफाई को लेके इसका कोई रिलेशन नहीं है इस न्यूज से, और सीटी क्वालिफाई को लेके हरियाणा सरकार में अभी मंथन भी चल रहा है, और मे भी हो सकता है कि भी क्वालिफाई हो भी जाए, और क्या पता, वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष को जारी रखें और आपकी मेहनत जो है वो जरूर रंग लेके आएगी। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।